Right, assalam I am live. This is Sana Khan, Business Communication Expert at Enigler's Office, Lahore. Uh, today, we are going to talk about something that's not probably very relevant to the English course, which I always talk to you. Today, we are going to talk about the frequently asked questions that are in my inbox and my live videos, after every live session that I do in the group. सो जब भी लाइव सेशन होता है उसके बाद दो से तीन चीज़ें होती हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाती हैं एंड आई वुड लाइक टू एड दैट देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट आई स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट अ लॉट ऑफ मैसेजेस इन द इन बॉक्स एंड स्पैम बॉक्स सेंग जस्ट यू नो हेलो एंड हाई ऑफ कोर्स देर इज़ नो पॉइंट फॉर दैट थर्ड आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनको आज मैंने लिस्ट डाउन किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि वो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन हैं मेरे लाइव सेशंस जनरली लैंग्वेज के बारे में होते हैं बिकॉज आई एम अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाई कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द ई कॉमर्स करियर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज एफ्यूज फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन होता है इनेबलर्स uh, क्या करते हैं वट इज एनेबल क्या कंपनी है किस चीज़ के बारे में है ये क्या सर्विसेस दे रही है वगैरह वगैरह ये किस लिए ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ तो so, इस चीज़ का जवाब ये है कि जब आप किसी भी फेसबुक के ग्रुप में लैंड करते हैं द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ इज दैट वाई आर यू सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू जॉइन द ग्रुप डी यू नो एनी थिंग अबाउट इट इफ नॉट एंड इफ यू आर इफ यू गेट अप्रूव्ड इन द ग्रुप तो आपको क्या करना होता है सबसे पहले आपने उस ग्रुप के अबाउट सेक्शन पे जाके उसके बारे में पढ़ना है कि वट इज दिस कम्युनिटी अबाउट वट आर दे डूइंग इज़ द मेजर गोल वट वट एक्टिविटीज़ डू दे डू हे ठीक है ऑब्वियसली पोस्ट से एज ए न्यू कमर पोस्ट वगैरह से आपको शायद आइडिया नहीं होगा नाम से भी आपको पता नहीं चल रहा कि क्या है तो इट्स बेस्ट टू गो टू अबाउट सेक्शन ऑफ द ग्रुप ऊपर टैब्स नजर आ रहे होते हैं आपको ग्रुप की फोटो के नीचे वहाँ से आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं सो एनेबल्स बेसिकली क्या है ये एक ई e कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है ई e कॉमर्स सिखाने के लिए ई e कॉमर्स को पाकिस्तान में फैसिलिटेट करने के लिए राइट देव बिन वर्किंग फॉर अ वाइल्ड नाउ इन पाकिस्तानी मार्केट दे हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज बोथ फ्री एंड पेड फ्री कोर्सेज जो हैं वो ई वी एस की फॉर्म में होते हैं अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में बहुत बार देखा है कि जी ई वी एस क्या है कहाँ से मिलेगा देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इफ यू आर एक्चुअली ईगर टू लर्न तो थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करें अगर आपको ई वी एस वर्ड पता है लेकिन ये नहीं पता क्या होता है ग्रुप के अंदर एक सर्च टैब होता है सर्च बार होता है जैसे आपका फेसबुक में या गूगल पे एक सर्च बार होता है वैसे ही ग्रुप में भी एक सर्च बार होता है उसमें जाके आप ईवीएस लिखें आपको बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स उसके बारे में जो डिस्कशन जो भी ग्रुप में होती रही है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी यू कैन रीड फ्रॉम दैट अदरवाइज आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं ईवीएस आपको पता चल जाएगा ईवीएस बेसिकली इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इनेबलर्स या इनेबलिंग वीडियो सीरीज उसके ऊपर आपके बहुत सारे ई कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं लेकिन वो आपको इस तरह से ओपन एक्सेस नहीं होती उसकी उसके लिए आपको लॉग पासवर्ड चाहिए होता है बेसिकली उसका पूरा एक फॉर्म है जिसको आप फिल करते हो उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करते हैं और उसके बाद उसको आप भेज देते हैं इनेबल्स की जो टीम है दे टेक देयर ओन टाइम बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास बहुत इनफ्लक्स है एप्लीकेशंस का तो वो एक एक करके सबको बाय हैंड रिव्यू कर रहे होते हैं एंड देन दे गिव यू दी एक्सेस एंड देन यू कैन एक्सेस दैट प्लेटफॉर्म इट्स लाइक अ वर्चुअल स्कूल जिसमें अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक्चुअली जिसमें आपके पास डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जैसे शॉपिफाई का डिपार्टमेंट है डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है अमेजोन का है एट का है ई का है ड्रॉप शिपिंग का है हर चीज़ ये जितने की मैं बोल रही हूँ अगर आप में से किसी को नहीं पता कि ये क्या होते हैं प्लीज़ इसको खुद सर्च करें पूछने से पहले ख़ुद से सर्च करें इसको पढ़ें इसके बारे में कोई बात नहीं समझ आ रही वो कीवर्ड आके इस ग्रुप के सर्च बार में लिखें देखें लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरी तरह और बहुत सारे लोग इनमें से हर एक टॉपिक पे आई एम श्योर वीडियोस बना चुके हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं अच्छा सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे पास लिस्ट में है वो है ई e कॉमर्स है क्या चीज देखें ई e कॉमर्स जो है बेसिकली ये ऑनलाइन बिजनेस को कहते हैं ठीक है कोई कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड किसी भी चीज को कहते हैं ई कॉमर्स का मतलब है फिजिकल स्टोर फिजिकल शॉप्स फिजिकल मॉल्स से हट के आप ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस आपके बिजनेस की इज कॉल्ड ई कॉमर्स उसके लिए दुनिया में बहुत पा इंक्लूडिंग पाकिस्तान दुनिया में उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में जैसे दराज उसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ई e कॉमर्स का पूरी दुनिया में जनरली जो माना जाता है वो अमेजोन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग अपने ऑनलाइन या वर्चुअल से सेलिंग एंड बाइंग अलावा भी और बेतहाशा बे प्लेटफॉर्म्स है अगर ये भी आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाइए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द होल वर्ल्ड लिखे आपको दस हजार आर्टिकल्स मिल जाएंगे उनको पढ़े गेट योर सेफ फेमिलियर विद भी ऐसा स्टोर पाकिस्तान में आप देख लें किसी भी uh, किसी भी फिजिकल स्टोर uh, का आप ऑनलाइन उसका वेबसाइट चेक कर लें वो उसका ई कॉमर्स शॉप है फॉर एग्जांपल आपने अल्फतेह से ग्रोसरी करनी थी आप वहाँ जा नहीं सक रहे पर्सनली तो आप उसकी वेबसाइट खोलें वो उनका ई कॉमर्स स्टोर है दैट इज वट एम टॉकिंग अबाउट सो ई कॉमर्स ये होता है अब ई e कॉमर्स पे आप क्या कर रहे हैं इनेबलर्स क्या कर रहा है आप बेसिकली uh, इस सारी चीज का इस पूरे ग्रुप का पर्पज क्या है वो ये है कि आपको ये सिखाना कि एज अ सेलर आप कैसे वहां पे सेलिंग कर सकते हैं या अगर आप ये सीख लें कि वहाँ अकाउंट कैसे बनाया जाता है इन्वेंटरी कैसे गोदाम में पहुँचाई जाती है बिल्कुल आम जुबान में बात कर रही हूँ बिजनेस की वहाँ से कैसे स्टॉक निकाला जाता है कीमतें कैसे रखी जाती हैं कम्पेटेटिव प्राइस कैसे रखी जाती है टेक्निकल डिटेल्स उसकी जो एनालिसिस है स्टेटिस्टिक्स को पढ़ना है वगैरह वगैरह अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस किसी दूसरे को दे सकते हैं एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट है वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर छोटा छोटा काम खुद करता रहे तो वो आपको हायर कर लेता है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्चुअल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो दुनिया के किसी भी कोने से हो सकता है वो आपको अपने ऑफिस में नहीं बुलाएगा अगर वो दुबई में यू ए में यू युए एस में ऑस्ट्रेलिया में, में बैठा हुआ है तो वो आपको कहेगा जी आप जहाँ पर मौजूद हैं वहीं से रिमोटली मेरे लिए आप काम करें ठीक है ये ऑब्वियसली आई थिंक अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि वर्चुअल काम क्या होता है ऑनलाइन कैसे होगा काम हमारे पास उसके लिए दस हजार किस्म के एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं हमारे पास एनी डेस्क मौजूद है जूम स्काइप इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं सो हम उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा सकते हैं कि जी हमने इतने घंटे से इतने घंटे तक काम किया है और ये मैं बिल्कुल एक आम जो रन ऑफ द मिल एग्जाम्पल्स हैं मैं वो दे रही हूँ जब वर्चुअल काम के लिए इसके अलावा बेस कैम्प जैसे हब स्पॉट जैसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सब कुछ वैसे ही हो रहा होता है आपकी अटेंडेंस आपका इन आउट का टाइम जो है वो मार्क हो रहा है आपकी परफॉर्मेंस मार्क हो रही है कि आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो परफॉर्म वगैरह वगैरह तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं अपने घर के अपने घर के कम्फर्ट में बैठते हुए दूसरों को पूरी दुनिया में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ठीक हो गया उसके बाद जनाब तीसरा क्वेश्चन जो मुझसे बहुत इनबॉक्स में पूछा जाता है और वो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज के लाइव सेशन के रिस्पॉन्स में मेरे पास ही इनबॉक्स में ये सवाल आता है तो मैंने सोचा कि इन चीजों के ऊपर मैं एक वीडियो बना देती हूँ थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो ये कि हाउ केन आई अर्न मनी ऑनलाइन गूगल को इस्तेमाल करें कि ई कॉमर्स स्कैम क्यों नहीं है या कैसे ये आ, कैसे है ये मतलब एक असल चीज कैसे है मल्टी लेवल कारोबार कैसे है और इससे मैं पैसे कैसे बना सकती हूँ बहुत सारी क्यूरीज जो मैंने रिसेंटली भी देखी है वैसे मैं देखती भी रहती हूँ ग्रुप में कि जी मैं इस ग्रुप में नया हूँ या नहीं हूं मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है मुझे कोई गाइड करे आप ये सवाल बच्चों पूछने से पहले सर्च बार इस्तेमाल क्यों नहीं करते प्लीज सर्च बार को इस्तेमाल करें उसमें लिख के जो भी आपको उसके बारे में पता है या आपको आपको देखना है आप अर्निंग मनी लिख दें कुछ भी लिख दें क्या होगा सर्च बार में लिखें एंटर करें देखें लोग उसके बारे में क्या बात करें उसके बारे में जो पोस्ट जो रेलिवेंट कॉमेंट और वीडियोज होंगी वो आपको नजर आ जाएंगी उनको सुने गेट सम आइडिया फिर समझ नहीं आती ये ग्रुप इज ओपन फॉर क्वेश्चन पूछें लेकिन प्लीज़ इस स्पून फीडिंग के कल्चर से बाहर निकल आए प्लीज प्लीज इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप लोग यही करते हैं मेरे साथ तो अपनी ये हैबिट जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप करें कि पहले खुद अपने आप से अपने इनिशिएटिव लेना है और खुद से सर्च करना है पहले चीज़ों को अपना होमवर्क करना है फिर कुछ समझ नहीं आता तो येस कोर्स वी आर ऑलवेज हेयर मॉडरेटर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब वो यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए हर वक्त मौजूद हैं ग्रुप को मॉडरेट कर रहे होते हैं देख रहे होते हैं पोस्ट वगैरह को ख़ुद भी वो एक्टिवली रिप्लाई कर रहे होते हैं ट्रेनर्स यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ और मेरे कॉलीग्स मैंटोर्स वगैरह मौजूद हैं हम लोग भी रिप्लाई कर रहे होते हैं जो सीनियर्स काम कर रहे हैं इस चीज़ में वो भी रिप्लाई कर रहे होते हैं आप कैसे पैसे कमा सकते हैं जी कै, पैसे कमाने के लिए जाहिर सी बात है आपके पास कोई स्किल होना ज़रूरी है ई कॉमर्स में कौन कौन सी स्किल्स आप सीख सकते हो पैसे कमाने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में मौजूद है ठीक है आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उनमें से कोई एक छोटी सी सर्विस उठा के भी आप दे सकते हो इसके अलावा भी बेतहाशा ऑप्शन है क्या आप अमेजोन पे कर सकते हो काम अमेजोन में Amazon किस मुल्क के अमेजोन पे करना चाहते हो जर्मनी में ऑस्ट्रेलिया में यूके में यूएसए में दुबई में एट्सेट्रा एट्सेट्रा इसके अलावा ईबे है एच है वॉलमार्ट है और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप काम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि आपका अपना अपना लर्निंग कर्व जो है ना वो बेहतर होना चाहिए अगर नहीं है तो उसको बेहतर करें पुट योर लर्निंग ऑन थिंक अबाउट दीज थिंग्स जो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं उनको पढ़ें सर्च करें अपने दिमाग में जब तक कोई बैकग्राउंड नहीं होगा ना आपका तो फिर आप भेड़ चाल का हिस्सा बनेंगे मैं बार बार क्यों ये कह रही हूँ ऑब्वियसली बिकॉज मैं तो आई एम नॉट द वन हु इज सोल्ली रिस्पांसिबल फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन कि मैं अपनी जान छोड़ा रही हूँ जी मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकती तो पहले खुद सर्च करें ऑफकोर्स नॉट मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ क्योंकि जब आपके पास खुद का कोई नॉलेज नहीं होता तो आपको दस लोग अपने परस्पेक्टिव से वो सही बात कर रहे होंगे लेकिन दस लोग आपको दस डिफरेंट बातें बताएंगे तो यू विल गेट मोर कन्फ्यूज कि कोई सही बात ही नहीं बताता तो आपके पास अपना भी एक बैकग्राउंड नॉलेज एक कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि फिर आप उसके हिसाब से लोगों से राइट टाइम पर राइट क्वेश्चन कर सको थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास फोर्थ uh, क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत आता है ग्रुप uh, में बहुत आ रहा होता है मेरे पास इनबॉक्स uh, में बहुत आ रहा होता है कि जी मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ या नया हूँ मुझे बताएं मैं क्या करूँ अगेन रिफ़र टू माई प्रीवियस आंसर कि उसमें पहले खुद सर्च करें कि आप इस पहले अपने आप से सवाल करें आप इस ग्रुप में क्यों हैं आप क्या जानते हैं नेबल्स के बारे में ई कॉमर्स के बारे में आप क्या जानते हैं अगर आप कुछ नहीं जानते तो प्लीज़ उसको सर्च करें उसको पढ़ें ई e कॉमर्स क्या है इसको गूगल करें ई e कॉमर्स किन जगहों पे होती है ये पाकिस्तान में एकदम से हर बंदा एमेजोन के पीछे क्यों पड़ गया एमेजोन पे लोग करते क्या है एज अ सर्विस प्रोवाइडर वट आर वी सपोज टू डू हाउ केन वी अर्न मनी फ्रॉम बींग सर्विस प्रोवाइडर कितनी पैसे कमा सकते हैं क्या क्या स्कोप है उसके लिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखना क्या पड़ेगा उसके लिए पैसे कमाना लोग समझते हैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का ख्याल होता है कि जी अभी जैसे पिछले दिनों एक कमेंट मैंने ग्रुप में पढ़ा कि जी मुझे एनेबलर्स का ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए हुए एक हफ्ता हो गया मैंने एक रुपया नहीं कमाया ये लोग तो फ्रॉड हैं प्लीज इस मैंटेलिटी से बाहर आइए आपकी स्किल जो है ना उसने उसने आपको वर्थ देनी है वैल्यू देनी है उसने आपको पैसा कमा के देना है राइट तो पहले आप अपने आप से सवाल करें कि मेरे पास क्या कोई स्किल मौजूद है अगर कोई स्किल नहीं मौजूद क्वेश्चन हर इंसान के लिए इसका जवाब डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है हर इंसान का एप्टीट्यूड डिफरेंट है उसका इंटरेस्ट डिफरेंट है um... आपका लर्निंग का जो एक पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है हो सकता है एक चीज मुझे बहुत मुश्किल लगती हो आपको बहुत आसान लगे हो सकता है एक चीज़ मुझे बहुत आसान लगती हो आप कहें कि ये तो समझ ही नहीं आती ये पता नहीं क्या चीज है तो ऑब्वियसली एक आंसर हर इंसान के लिए ठीक नहीं हो सकता तो आप क्या स्किल सीखें कि आपको खुद ट्रायल एंड एरर मेथड से रिसर्च से पढ़ने से अपने आप को एक्सपोजर देने से आपको पता चलेगा ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है अगर नहीं पता गूगल करें इसको प्लीज ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है ट्राई करें समझ आया दोबारा करें और दूसरी चीज को उठाएं उसको ट्राई करें नहीं समझ आया गलती हो गई छोड़ें कोई और चीज ट्राई करें तो आपको उससे खुद अपने लिए भी अंदाजा होगा कि मेरे लिए कौन चीज आसान है और कौन सी चीज सीखना मुश्किल है और अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल भी लग रही है तो येस आई वुड ऑलवेज अप्रीशिएट एज़ ए ट्रेनर दैट यू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन और उसको सीखने की जरूर कोशिश करें बिकॉज खुद भी ये कर रही हूँ मैं कोई ऐसी चीज़ आपको प्रीच नहीं करी जो मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करती आप में से जो लोग मुझे बहुत फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं एक बायोलॉजी मेजेस हूँ अब मैंने एम किया है बायोलॉजी में उसके बाद मैंने अपना करियर स्विच

तो मैं आप ये देखें कि मैंने कितना अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट किया और मैं अप, अपनी जो प्राइमरी एक एजुकेशन थी उससे कितना डिफरेंट काम कर रही हूँ ऑब्वियसली इट वॉज नॉट ईजी मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड ही नहीं है मुझे पता ही नहीं था चीजों का लेकिन मैंने सीखा मुझे लगा कि मैं सीख सकती हूँ या इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है बड़ी अच्छी मजे की चीज़ है तो मुझे सीखनी चाहिए तो इस तरह से आप नई चीजें सीखें थोड़ी हिम्मत अपने अंदर पैदा करें प्लीज ये मत लिखा करें कि जी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो पैसे भी नहीं है तो ये ये ग्रुप तो कोई काम का ग्रुप नहीं है यहाँ से तो कोई पैसे नहीं मिल रहे आपको कोई पैसे क्यों देगा वाई वुड समबडी पे यू आप आप अगर किसी के पास जाते हैं यहीं ग्रुप में से किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको आप उससे आप बात करें ठीक है आप उसको कोई पैसे पे नहीं करें तो क्या वो भी कल को यही शिकवा आ जाएगा कि जी आई एम नॉट गेटिंग पेड फ्रॉम दिस ग्रुप दिस ग्रुप इज अ स्कैम कोर्स नॉट ऑफ कोर्स नॉट बिकॉज वट डू यू हैव ऑन योर पोर्टफोलियो आपका स्किल सेट है क्या जिसके लिए कोई आपको पे करेगा आप किसी को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी के लिए क्या डिलीवरेबल्स आप दे रहे हो प्लीज़ आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर ओन सेल्फ अपने ऊपर काम करें इट विल टेक अ वाइल ठीक है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एक दिन में पूरी सल्तनत खड़ी नहीं हो सकती ये जो लोगों की हम सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे पढ़ते हैं वो एक हफ्ते में दो हफ्ते में महीने में नहीं बनी किस्मत से शायद कोई बन भी गई हो महीने में लेकिन एक दो हफ्ते में एक दो दिन में कोई भी एम्पायर खड़ी नहीं हो सकती दैट्स माय पॉइंट उसके लिए आपको अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है दस हजार चीजें करेंगे फेल होंगे गिरेंगे मायूस होंगे लेकिन शर्त क्या है बार बार उठना बार बार उठ के खड़े होना एक नए जज्बे के साथ कि चलो इसने काम नहीं किया कोई और चीज सीखते हैं ये टेक्निक काम नहीं करी कोई और स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं ये चीज आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगी तो इस माइंड के साथ इस ग्रुप को एक्सप्लोर करें उसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि जी आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है आ, क्यों जरूरी है ई e कॉमर्स के लिए और इसी क्या सब तो ये आप इंग्लिश का कोर्स पेड क्यों कराती हैं फ्री क्यों नहीं कराती हैं दोनों का जवाब मैं देती हूँ ये आखिरी क्वेश्चन था आज का आई विल वाइन्ड दिस क्वेश्चन पहली बार पहला हिस्सा सवाल का ये कि इंग्लिश क्यों जरूरी है ई e कॉमर्स के लिए ई e कॉमर्स का मतलब है कि आप सिर्फ पाकिस्तान से इंटरेक्ट नहीं कर रहे

आप बहुत स्किल्ड हो आपको सब कुछ बहुत अच्छा आता है लेट्स से आप एक वेब डेवलपर हो आप बहुत अच्छी वर्डप्रेस की साइट डेवलप करते हो आपकी स्किल का कोई मुकाबला ही नहीं है आपके फेलोज में कोई है आप आपकी इतनी अच्छी और रोबस्ट और यू नो एस सी ओ फ्रेंडली एंड ऑल दैट यूजर फ्रेंडली बहुत अच्छा यू आई यू एक्स कोई डिजाइन ही नहीं कर सकता यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड प्रेस ठीक है राइट right. आपको अपनी ये स्किल किसी क्लाइंट को बतानी नहीं आ रही तो आपको काम नहीं मिलेगा काम ले लेते हैं आपको ब्रांड्स से अप्रूवल लेना पड़ता है उसके लिए आपको कॉल्स करना पड़ती हैं आपको ई करना पड़ते हैं उसके लिए अगर आप टेम्पलेट और स्क्रिप्ट ही ढूंढते रहेंगे फेसबुक पे तो प्लीज स्टॉप हेयर एंड थिंक फॉर अ मोमेंट के आर यू नॉट यू नो लिमिटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ आई यू नॉट सम फिक्स माइंड सेट कि बस ये जुगाड़ लगाओ बस चला लो किसी तरह काम लैंग्वेज सीखना जरूरी नहीं है क्योंकि आप इंसान नहीं है क्या आपकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए क्या आप सिर्फ एक रोबोटिक मशीन है जिसने सर्विस प्रोवाइड करनी है पैसे लेने हैं अल्लाह अल्लाह खैर सला क्या आपकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है ऑफ कोर्स है तो जब आप एक इंसान है आपकी एक पर्सनैलिटी है तो उस पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर काम करें उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल का फ्लॉलेस होना जरूरी है फ्लॉलेस ट्रस्ट मी इवन इफ यू प्रॉबली डू नॉट हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो आपने ईवीएस से सीखा है आपने पेड कोर्स से सीख लिया है लेकिन अभी आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो आपके पास से क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये एक प्रोफेशनल है ये एक प्रोफेशनल तरीके से मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है बात करने का सलीका तरीका है उसको तो वो कहीं नहीं जाएगा और आपको मौका मिल जाएगा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपनी अपना नॉलेज एक्सरसाइज करने का मौका मिल जाएगा दिस इज वाई इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उर्दू हमारी कौमी जबान है इसको तरवीज देनी चाहिए तो क्या फाइवर और फील आंसर के ऊपर आप उर्दू में बात करके यू कैन यू वर्क विद अ क्लाइंट यू यू नो क्लोज द डील विद अ विद्लाइंट ऑफकोर्स नॉट तो इसमें उर्दू इंग्लिश का कंपैरिजन मत लाएं ये लैंग्वेज में ये ये अजीबोगरीब से आर्ग्यूमेंट ना लाएं जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको सीखें पाकिस्तान में हम डेली लाइफ में सुबह से शाम तक दस हज़ार चीज़ें ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं बन रही वो कहीं और की ओरिजिनेटेड है वो कहीं और से बन के पार्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं व एवर आप एक टूथपेस्ट से लेके आप अपने जो आप जो मशरूब पीते हैं या कैंड फूड खाते हैं उन तक का ओरिजिन देख लें वो सवाल का दूसरा हिस्सा ये कोर्स फ्री क्यों नहीं है पेड क्यों है दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है अच्छी क्वालिटी की जो कि आपको फ्री मिलेगी हमेशा और कोई अगर फ्री मिल रही है तो उसके साथ कोई कैच होगा या वो आधी इंफॉर्मेशन होगी ठीक है इस बात को इंटरनलाइज करें प्लीज स्टॉप हियर एंड एब्जॉर्ब दिस थॉट पूरी बात नहीं होगी ठीक है उसके बाद आपको हेल्प की जरूरत हमेशा पड़ेगी आप ईवीएस से टेक्निकल स्किल सीख के आते हो आपको फिर भी मेंटोर की जरूरत पड़ती है जिससे आप क्वेश्चन कर सको दिस इज वाई लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन जिसका नाम वर्क है जिसमें मैं भी मौजूद रहती हूँ वाई ब्लॉक लाहौर में वहां पे लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने और मेंटोर सपोर्ट लेने के लिए आ रहे हैं ना क्योंकि उन्होंने फ्री कोर्स कर लिया लेकिन वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्क एनी बडी बिकॉज दे वर नॉट इन अ पेड कोर्स वर इंग्लिश लैंग्वेज टेक्निकल स्किल से डिफरेंट है सबसे पहले तो इस बात को समझें बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास वर्क में यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मौजूद हैं वाई ब्लॉक के वर्क में वो इस चीज़ को करोबोरेट करेंगे कि वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं बस हमारा हमें सब कुछ आता है हमारी स्किल भी बहुत अच्छी है हमारा काम भी बहुत अच्छा है हमें बस क्लाइंट से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमारे पास क्लाइंट नहीं आता मेरा सवाल ये है कि क्या आप एक 300-400 डॉलर का क्लाइंट सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे अपने बैरियर में कि हमें लैंग्वेज कोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो फिर डू द मैथ्स योर सेल्फ कि इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश होना पेनी वाइज पाउंड फुलिश यानी कि थोड़े से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट या थोड़ी सी चीज़ नुकसान को देख के ज़्यादा फ़ायदा छोड़ देना ठीक है ज़्यादा पैसे खर्च करके इतने से थोड़े से बचा के खुश हो जाना कि हाँ मैंने बड़ा अच्छा काम किया है इसको तो वैसे भी पढ़ लर्निंग को तो वैसे भी आप इन्वेस्टमेंट लेना हम स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं ठीक है अगर लेट्स सपोज कि कुछ आधे लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं गए कॉलेज तक तो गए हैं ना तो आपने हर साल में हर महीने में फीस भी पे की है आपने यूनिफॉर्म भी ख़रीदा होगा आपने किताबें भी खरीदी होंगी आपने ट्यूशन भी रखे होंगे अकेडमीज भी जाते होंगे उत इतने सालों की इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद आप यकीन करें कि एम इज़ एन एटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी तक मेरे पेरेंट्स ने या मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट पैसों के हिसाब से अपने ऊपर की टाइम के हिसाब से अपने ऊपर की एंड वेन आए विद एन एम फिल डिग्री गो आउट इन अ मार्केट फॉर अ जॉब गेस कि मुझे कितने कितने पैसों की जॉब मिल रही है डॉक्टर्स की एग्जाम्पल ले लें आप कि डॉक्टर्स पाँच साल की रेगुलर ट्रेनिंग के और इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतना टाइम और इतना स्ट्रेस और इतनी हर चीज़ इन्वेस्ट करने के बाद जब मेडिकल कॉलेज से पास आउट करते हैं और जब वो किसी हाउस ऑफिसर पोजीशन के लिए हाउस जॉब के लिए जाते हैं कहीं एच लगने के लिए तो उनकी तनख्वाह तीस अपनी पर्सनल के ऊपर भी करें। करें आप अगर बात बात तो किसी को पता चले कि कोई इंसान है बात हुई है। हुई right बेटा ये काम करती है ये स्ट्रैटेजी नहीं करती है आपने कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश सीखनी है उसमें ये ये ये, 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 ये चीजें करोगे तो आपको जल्दी आपका रास्ता जल्दी तय हो जाएगा आपका लर्निंग का जो एक शायद शायद YouTube से आप सीखोगे तो आपको छह महीने साल लग जाएगा मेरे पास आप एक डेढ़ महीने में सीख जाओगे क्यों बिकॉज आई एम नॉट ओनली टेलिंग यू वट टू डू हाउ टू डू इट बट आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद एन एनवायरमेंट जहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस कर सको जहाँ पे एवरीबडी इज सपोज टू टॉक एवरीबडी इज सपोज टू कम्प्लीट दी असाइनमेंट आर आई एम गिविंग यू बीट प्रेजेंटेशट मेकिंग विडियोज बीट स्पीकिंग प्रजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स जब आप यही काम यही प्रैक्टिस करते हो फिर उसको ई e कामर्स में इस्तेमाल करते हो तो आपको फिर किसी से ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ती की जी मुझे अपना प्रपोजल दिखाएं मैंने किसी और को भेजना है अभी यहाँ पे जो एक कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो आप क्लाइंट के साथ साइन करते हैं उसको मैंने देखा एक साम्पल जो हर वर्क के मेंबर के पास है एंड आई एम आई एम टेलिंग यू ह्योर राइट नाउ इन द वीडियो यहाँ पे बहुत लोग अगर देखेंगे तो वो अग्री करेंगे इस बात से कि वो कॉन्ट्रैक्ट कोई पढ़ने की भी जहमत नहीं कर रहा था कि उसमें स्पेलिंग की कितनी मिस्टेक है अब मैं अगर एक इन्वेस्टर हूँ ठीक है आठ हजार डॉलर दस हजार डॉलर अपनी हक हाँ हलाल की कमाई के लगाने हैं मैं आपको एज ए वी हायर करना चाहती हूँ आप मुझे मैं कहती हूँ जी आप कॉन्ट्रैक्ट भेजें हम साइन करते हैं और बेटा जी हम काम शुरू करते हैं आपकी मैं चार डॉलर देने को तैयार हूं आप मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं उसकी पहली लाइन में ही स्पेलिंग की मिस्टेक है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मुझे समझ आ गई है स्पेलिंग मिस्टेक थी फिर भी मुझे समझ आ गई कि क्या वर्ड यहाँ पे लिखना चाह रहे हो आप मैं ये अपने दिमाग में सोचूंगी कि कितना कि इस्पॉन्सिबल इंसान है ये कितनी इरिस्पॉन्सिबल है ये मोहतरमा या मोहतरम कि इन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि उसको डबल चेक कर लें शॉर्टकट कर इस्तेमाल करेंगे गूगल ट्रांसलेटर कर लेंगे ग्रामरली से कर लेंगे कि टाइम किसी तरह पास हो जाए क्या सारी जिंदगी आपने टाइम ही पास करना है अगर इन इस चक्कर से निकलना चाहते हैं तो खुदा का वास्ता है अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें अपनी स्किल अपनी स्किल जो आपसे कोई नहीं लेके जा सकता बल्कि वो आपको बाद में रिकरिंग क्लाइंट्स देगी समझ आ रही है बात कि यहां पे इस इस चीज को एब्सॉर्व करें डाइजेस्ट करें कि वो आपको आपको बाद में कितना रिकरिंग फायदा देगी वो एक ऐसी चीज़ आप आप खरीद रहे हो हो, जो बार 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 इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? एक skill जिसके ऊपर आपने time और पैसा इन्वेस्ट किया, communication सीखी, कॉन्फिडेंस आया उस बेस के ऊपर आप क्लाइंट्स को स्कोर कर रहे हो उस बेस के ऊपर आप क्लाइंट्स के साथ डील्स क्लोज कर रहे हो एंड दैट इज गोइंग टू एंड आपके पास काम कभी खत्म ही नहीं होगा क्यों क्योंकि लोगों को पता होगा कि इसकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है ये एक प्रोफेशनल इंसान है ये बिजनेस uh, और काम की डिलीवरी जो है उस उसका सेंस है इसको बात करने का तरीका है ये मेरे बिजनेस को अच्छा लेके चलेगा जब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से आ जाएंगी देन यू विल बी एबल टू वर्क विद द क्लाइंट्स क्लोज द डील्स एंड देन यू विल रियलाइज दैट व्हाई कम्युनिकेशन वाज सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई दिस कोर्स इज नॉट फ्री ये कुछ आ, कुछ एफिक थे आज की वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियो से थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन ये कुछ एफिक थे जो हर लाइव सेशन के बाद अंबार लग जाता है मेरे इनबॉक्स में एंड ऑफ कोर्स मैं हर एक को जवाब नहीं दे सकती आखिरी बात बहुत सारे स्टूडेंट्स आई एम sure, श्योर ऐसे होते हैं जिनका कोई ना कोई क्वेश्चन होता है इन्हीं इन्हीं चार पांच क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन उनका होता, होता होगा बट दे डू नॉट इवन बॉदर टाइपिंग दैट क्वेश्चन they would just write a hi or a hello, do you think anybody would reply to that? Please apni communication ke upar kaam kare I cannot emphasize or stress this enough, apni communication ke upar kaam kare Please, this is something जो आप clients के साथ international clients के साथ करते हो तो Pakistan और खास तौर पे enablers के groups से अगर जा रहे हो तो enablers के ऊपर इतना बड़ा question मार के कि कि, कि कि किस किस्म के लोगों को produce किया जा रहा है। तो प्लीज़ थोड़े सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें अगर आप क्लाइंट को भी हाय हेलो इंटरेस्टेड ये वो इस तरह से लिख रहे हैं जो कि मेरा लाइव सेशन था पिछला जी कि मेरा मैंने बताया था कि मेरा कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है इस तरह से और मैं उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वगैरह अब मुझे आपके हाय या हेलो से क्या पता चलेगा कि आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मे बी आपको वाकई गाइडेंस की ज़रूरत हो लेकिन आपके हेलो से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ना तो ऑब्वियसली आई वुड नॉट हैव द टाइम टू यू नो एंगेज माई सेल्फ विद यू इन अ स्मॉल टॉक हेलो जी क्या हाल है सब ठीक है मौसम कैसा लाहौर का एट्सेट्रा एसट्रा जी मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी प्लीज कट टू द चेज़ प्लीज़ लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन अगर नहीं आता तो उसको सीखें मुझसे सीखें किसी से सीखें सीख लें प्लीज़ क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो कोई मजाक की बात नहीं है वो कोई रातों रात अमीर होने का नुस्खा नहीं है इट्स अ होल करियर उसमें आपको उतनी ही मेहनत शायद उससे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी जो आप अपनी नाइन टू फाइव जॉब्स में करते हैं मे बी मैं अगर यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ा रही थी तो मैं वहां पे जितना जितने आवर्स पुट करी थी जितनी एफर्ट पुट कर रही थी जितनी मेहनत वहाँ करी थी मैं उससे ज्यादा ही शायद यहाँ पे कर रही हूँ तो इस चीज को प्लीज समझें कम्युनिकेशन को बेहतर करें अपनी बात दूसरे को बताना अगर आपको नहीं आ रही आई विल नॉट से एनी थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट हाउ केन यू डू बेटर इन कम्युनिकेशन लीव कॉमेंट्स बट रेलिवेंट व्वेश्चन्स पूछें इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड पूछें कम्युनिकेशन कैसे बेहतर करते हैं उससे पूछें आई एल बी कोर्स आई सी ऑल द कॉमेंट्स और इरेलीवेंट कॉमेंट्स जो होते हैं वो ब्लॉक uh, हो जाते हैं इस ग्रुप से परमानेंटली तो अप, अपना अपना कम्युनिकेशन का अंदाज बेहतर करें बात कॉमेंट करने से पहले सोचें दस दफ़ा सोचें कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ क्यों कर रही हूँ इसका क्या फ़ायदा है इसका क्या इम्पैक्ट है क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं सोचेंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप क्लाइंट्स के साथ भी ऐसे ही इ से बात करेंगे जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा पड़ता है और काम तो फिर आपको नहीं मिलता फिर आप ये शिकायत करते हैं कि जी हमें सब कुछ आता है हम क्लाइंट से बात भी करते हैं हम इतने इतने क्लाइंट्स हमें रीच आउट करते हैं लेकिन हमें क्लाइंट मिलता कोई नहीं है वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि आपको बात नहीं करनी आ रही आपको पता ही नहीं है कि उसको उस चीज को कैसे अप्रोच करना है इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है ये आपको कहीं पर कोई ये नहीं बताएगा कि यूट्यूब वीडियो में कि जी ऐसे बात करें ऐसे ना करें वाई बिकॉज देर इज नो वन राइट आंसर टू सिचुएशन इट वेरीज फ्राम वन पर्सन टू अनादर एंड इट वेरीज फ्राम वन सिचुएशन टू अनादर सो मैंने आई थिंक मेरा ख्याल है मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज दे दी है इस आधे घंटे के लाइव सेशन में प्लीज उसको गौर से देखें एक नहीं दस दफा देखें इसमें से पॉइंट्स को नोट डाउन करें रेलिवेंट मीनिंगफुल क्वेश्चन करें इस लाइव uh, सेशन के नीचे लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के हिसाब से वट एल्स डू यू थिंक आई शुड टॉक अबाउट लीव दैट इन द कामेंट्स एंड इनशा देन आई विल रीड दोज कॉमेंट्स और फिर उनमें से किसी चीज़ के ऊपर उठा के हम बात करेंगे मेरे फर्स्ट लाइव फर्स्ट या सेकेंड लाइव सेशन पर एक uh, मोहतरमा कामेंट था जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि जी रीडिंग तो बहुत मुश्किल है तो आप रीडिंग का मशवरा क्यों दे रही हैं कि हमारा पर्पज तो सिर्फ कम्युनिकेशन है तो आप रीडिंग क्यों बता रही हैं कि जी आपको रीडिंग करनी चाहिए एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए वगैरह इसका कोई फ़ायदा नहीं है ये जस्ट बता रही हूँ तो उन उनसे एक दो कॉमेंट्स के तबादले के बाद मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इसके ऊपर एक लाइव सेशन ज़रूर करूंगी तो कल इन उसके ऊपर हम लाइव सेशन करेंगे आई अटैच द कामेंट एज़ वेल उनका कॉमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी ताकि बाकी लोगों के लिए रेफरेंस रहे आई होप कि आज मैंने एफ एक्स जो मेरे इनबॉक्स और कमेंट्स में लैंड करते हैं उनका मैंने आंसर करने की कोशिश की है मजीद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अगेन बार बार कह रही हूँ रेलिवेंट क्वेश्चन करें इेलीवेंट क्वेश्चन को मैं फ़ौरन रिपोर्ट करती हूँ और एडमिट्स उनको परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं तो इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू गेट ब्लॉक प्लीज स्टे रेलिवेंट स्टे माइंडफुल काइंड टू इच अदर थैंक यू सो मच हैव अ वेरी हैप्पी ब्लेस्ड फ्राम दान थैंक यू आई एल सी यू अगैन टू मारो इन शाह अल्लाह हाफिज़